दोस्तों आपने भी मूवीज़ में देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति पानी में डूबकर मरता है तो कुछ देर के बाद उसकी लाश पानी पर तैरने लगती है लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिंदा आदमी तो पानी में डूबता है पर मरा हुआ आदमी पानी पर क्यों तैरता है इसके जवाब को जानने के लिए हमें सबसे पहले घनत्व यानी डेंसिटी को समझना पड़ेगा जो कहती है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगा और जिसकी कम होगी वो पानी पर तैरेगा अब जब कोई व्यक्ति पानी में जाता है तो उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है इसलिए वो डूबने लगता है लेकिन डूबने पर उसके फेफड़ों और पूरे शरीर में पानी भर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है धीरे धीरे शरीर से सारी गैसें निकल जाती हैं और उसकी जगह भी पानी भर जाता है जो शरीर की डेंसिटी को कम कर देता है और इसीलिए कुछ देर के बाद बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है बता दें कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी इम्यूनिटी काम करना बंद कर देती है शरीर वातावरण में स्थिर नहीं रहता और बॉडी डिकम्पोज होने लगती है धीरे धीरे शरीर में बैक्टीरिया घुसने लगते हैं जो बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं इस पूरे प्रोसेस को प्यूट्रीफेक्शन कहते हैं शरीर के मरने के बाद भी ये बैक्टीरियाज नहीं मरते बल्कि ये बॉडी के शुगर और प्रोटीन को खाने लगते हैं और मिथिन एमिनो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं ऐसे में शरीर सड़ने के साथ साथ सूझना भी स्टार्ट कर देता है और बॉडी में एक नई गैस बनने लगती है जिसकी वजह से लाश का वॉल्यूम बढ़ने लगता है लेकिन वजन और उसकी डेंसिटी दोनों कम हो जाती हैं और वो पानी पर तैरने लगती है तो दोस्तों ये कारण है कि मरने के बाद बॉडी पानी पर तैरने लगती है इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी सोशल नेटवर्क अकाउंट पर शेयर करें और बाकियों को भी इस फैक्ट के बारे में बताएं और हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें धन्यवाद